हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। देखिए, ये 4x4 का एक बॉक्स है, इसमें एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने जा रहा हूँ। देखिए, ये सॉकेट है और ये स्विच है। इसको किस तरह वायरिंग करते हैं और किस तरह आप देख के बना सकते हैं, देखिए एकदम सिंपल तरीका है। स्विच सॉकेट और स्विच को मैं किस तरह वायरिंग करते हैं आपके सामने टेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, ये स्विच और सॉकेट, इसको पहले आप क्या करना चाहिए, आप इसको खोल लीजिएगा, पहले सब तार को खोल लीजिएगा पहले। ठीक है दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे आप, ये जो स्विच है, स्विच है ना, स्विच को ऊपर साइड, और ये सॉकेट का जो एल लिखा है फेस, उसमें आप पहले डालिए। इसके लिए पहले आप एक स्विच को ऊपर में डालिए, ये स्विच को ऊपर का जो साइज है उसमें डालिए, और इसको आप अच्छी तरह टाइट कर लीजिए। सिंपल है, देखिए ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए आप, देखिए स्विच को ऊपर साइड में मैंने ये तार लगा लिया, और ये सॉकेट का जो एल लिखा है यहाँ पर आप उसको लगा लीजिए। एल लिखा है यहाँ में, आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, ये देखिए, ये कनेक्ट करने के बाद आप इसको टाइट कर लीजिए, हो गया, एकदम सिंपल है। देखिए दोस्तों, सिंपल ही है, और ये आप लॉक कर दीजिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये स्विच से सॉकेट का जहाँ एल लिखा है, ये स्विच के ऊपर से यहाँ में मैंने डाल दिया। ठीक है, अभी मैं एकदम सिंपल बात बताने जा रहा हूँ। और एक लीजिए ऐसा ट्रिपिंग टॉप लेके आप क्या करेंगे, पहले जहाँ पे एल लिखा है, एल मतलब फेस है रेड कलर, और एन मतलब न्यूट्रल है ब्लैक कलर, देखिए ब्लैक कलर, और जहाँ पे ई लिखा है, ई मतलब आर्थिंग है, तो मैंने ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। तो चलिए उसको मैं डायरेक्ट लगा के दिखाता हूँ। देखिए, तो मैंने ये जो फेस है स्विच का नीचे लगाऊंगा, स्विच का नीचे साइड में लगाऊंगा, यहाँ पे मैं फेस डालूंगा। सॉकेट से जो निकला हुआ फेस रेड कलर है, मैं यहाँ पे डालूंगा और इसको मैं टाइट कर लूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने उसको टाइट कर लिया, और इसको मैंने लॉक कर दिया। ठीक है, फेस लगाने का वो न्यूट्रल, एन जहाँ पर लिखा है न्यूट्रल है, न्यूट्रल तो ब्लैक कलर है, तो मैंने न्यूट्रल को ब्लैक कलर यहाँ पर लगा दिया है। देखिए, न्यूट्रल लगा दिया, एन वहाँ जहाँ एन लिखा है उसमें न्यूट्रल लगा दिया ब्लैक कलर। देखिए, मैंने उसको टाइट कर दिया, देखिए ब्लैक कलर भी हो गया, और उसको आप लॉक करना मत भूलिएगा। ये भी लॉक हो गया, ये भी लॉक हो गया, तो मेरे पास अभी है मेरा जो आर्थिंग है, तो आर्थिंग में ग्रीन कलर बचा है, तो आर्थिंग के लिए मैंने ये ज्वाइन कर दिया, और उसको मैंने टाइट कर दिया। इसी तरह आप इजीली एक एक्सटेंशन कोड बना सकते हैं। देखिए, एकदम सिंपल बात है, देखो ये स्विच है, ये सॉकेट है, ये स्विच है, देखिए स्विच सॉकेट और स्विच, देखिए स्विच का ऊपर से सॉकेट जहाँ पे एल लिखा है उसमें ज्वाइन कर दिया, ये और जहाँ से ट्रिपिंग टॉप का एल के साथ ये फेस मैंने सप्लाई दिया, और एन में न्यूट्रल दिया, और ये आर्थिंग दी थी। चलो अब उसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, एकदम सिंपल बात है, हो गया। अब मैं इसको टेस्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लगा दिया, और मैंने पहले से एक एक्सटेंशन कोड बना के रखा है। देखिए, मैंने एक्सटेंशन कोड को कनेक्ट कर लिया, और ये जो होल्डर, देखिए होल्डर लगा के रखा है, देखिए दोस्तों ये होल्डर भी लगा लिया, देखिए, और मैं एक्सटेंशन कोड का स्विच देने वाला हूँ। देखिए, ऑन कर दिया, और मैंने देखिए अभी स्विच टेस्ट करके जा रहा हूँ। देखिए, स्विच ऑन करके टेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, चला ऑफ कर दिया, मैंने ऑन कर दिया। देखिए दोस्तों, इसी तरह आप घर बैठे बैठे 4x4 का एक स्विच बोर्ड का एक्सटेंशन बोर्ड इजीली आप बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।